Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Inner Reactions. I am from Pakistan और आज मैं reaction दूंगा हैदराबाद सिटी के व्यूज पे, उन पे कोई उनकी इन्फॉर्मेशन पे हैदराबाद सिटी के बारे में. तो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और सुना है कि हैदराबाद बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सिनेमेटिक है और इंडिया का सिटी है हैदराबाद. तो देखते हैं वीडियो, उस पर रिएक्शन देते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बताएं कि नेक्स्ट किस वीडियो पर, किस शहर के ऊपर वीडियो बनाऊं. तो पहले देखते हैं और उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं. आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के आईटी हब के रूप में क्या हुआ हैदराबाद शहर के डेवलपमेंट और ओहो वाह. हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी और इस शहर का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या बात, वो ओहो सांस्कृतिक धरोहर होने के बावजूद क्या ब्यूटीफुल सीन था. हैदराबाद में देश और दुनिया के अलग अलग कोनों से आए लगभग 1 करोड़ यानी कि 10 मिलियन लोग रहते हैं. क्या बात, कॉस्मोपॉलिटन शहर कहलाता है. लवली यार, जो कि करीब 650 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है. क्या बात है, ये हैदराबाद ये इंडिया में. हैदराबाद में मेट्रो रेल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, फ्लाईओवर्स और मॉडर्न हाईवेज जैसे प्रोजेक्ट ने शहर को और एक्सेसिबल बनाया है. अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते हैदराबाद की इकॉनमी काफी मजबूत है जो आईटी और फार्मा सेक्टर्स में काफी फेमस है. क्या बात, और अपनी मैसिव ग्रोथ के कारण इस सिटी की जीडीपी 85 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच चुकी है. क्या बात, हैदराबाद इंडिया के टॉप 5 शहरों के रेस में शामिल है. क्या बात, इंडिया में सबसे बड़े आईटी हब्स में से एक है इसलिए इसे साइबराबाद भी कहा जाता है. क्या बात, साइबराबाद इनोवेटिव और क्रिएटिव स्टार्टअप भी है जो क्रिएटिव आइडियाज के साथ मार्केट में काफी इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं. हैदराबाद में कई मेजर मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न और फेसबुक जैसी कंपनियों ने क्या बात, क्या बात, साथ रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर बनाए हैं जहां हजारों लोग काम करते हैं. क्या बात है यार, वाह. लवली. इसके अलावा हैदराबाद में फार्मा सेक्टर भी काफी मजबूत है और यहाँ पर बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग के अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में देश का नाम आगे बढ़ रही है जिस वजह से हैदराबाद विद टाइम इंडिया का इनोवेशन भी बनता जा रहा है. वैसे हैदराबाद शहर में रहने के काफी बेनिफिट्स हैं. यहाँ पर काफी सारे पार्क, नेचर स्पॉट्स और मॉन्यूमेंट्स के अलावा मॉडर्न शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं. क्या बात है यार, फेमस फूड को भी एंजॉय कर सकते हैं. तो ये थी हैदराबाद शहर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन. अगर आप हैदराबाद में रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हैदराबाद में कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद है. आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप भी अपने शहर का वीडियो चैनल पर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने शहर का नाम कमेंट करना ना भूलें. नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद. ओहो, क्या बात है यार, आई एम शॉक्ड सीरियसली. इतने खूबसूरत व्यूज थे, इतनी बिल्डिंग्स, शानदार बिल्डिंग्स और बहुत इंफॉर्मेटिव फार्मास्यूटिकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, आईटी के लिहाज से. क्या बात है यार, हैदराबाद कह रहा है कि पहले 5 सिटीज में हैदराबाद में आता है जो जिसने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया है. और जो व्यूज थे इतने शानदार ब्यूटीफुल व्यूज थे, जो सी जो पानी के अंदर भी थे और जो वैसे भी बिल्डिंग्स थी यार, कमाल की बात है. कोई भी हैदराबाद से अगर ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे भी कि मैं भी हैदराबाद से देख रहा हूँ, और ये भी बताना है कि हैदराबाद में कौन सी जगह आपको ज्यादा पसंद है. तो ऐसी वीडियोस बहुत इंफॉर्मेटिव होती हैं. तो मिलते हैं आपको ऐसी ही अगली वीडियो में. अगर आपको वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं मजीद ऐसी वीडियोस आएं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें और सपोर्ट करें. मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, उसके बाद अपना ख्याल रखें. बाय बाय.